तो ये कितने रुपए की सब्जी है आपकी? ये 400 रुपए की जी। 400 रुपए की? तो 400 रुपए की सब्जी में आप कितने रुपए कमा लोगे अब ये बताओ सालिन भाई? बस 150 रुपए बन जाए। और ये दोनों बच्चे लगा रखे तुमने? ये तो मेरे पास तो चला चला नहीं जाता आपके? सूझ रहे हैं मेरे पैर। अच्छा हाँ ये देख रहे हैं सूझ रहे हैं आपके पैर ये। क्या बताया डॉक्टर ने? मैं बताया कोई कैल्शियम खत्म हो रहा। अच्छा गठिया भाई बता रहे हैं। और बड़ा बच्चा कितना आपके यहाँ पे? यही है जी बड़ा। दोनों यही है बड़े बच्चे? हाँ जी। कहाँ रहो आप? मैं तो गाँव में रहता हूँ पलड़ी। कौन सा गाँव है आपका? जिला बागपत पलड़ी बलोत। अच्छा ये 400 रुपये की सब्जी लाए हो आप? हाँ जी। 400 की सब्जी कितने की हो जाएगी? 500 रुपये की। 100 रुपये में घर का गुजारा हो जाएगा? मैं जी चल कर रहे। सालीन भाई हैं हमारे ये, और इनकी माली हालत इनकी कमज़ोर है, और इस देख सकते हैं इनके पैरों में भी दिक्कत है। अयान नाम है अयान। तो पढ़ने नहीं जाते? पढ़ने नहीं जाते? पढ़ने को नहीं भेजते इन्हें? स्कूल बंद हो रहा है जी। स्कूल बंद हो रहा है? उस्मान तो तुम अपने अब्बू के साथ में काम कराते हो? नहीं जी, गड्ढे सूझ रहे हैं इसलिए। हैं? गड्ढे सूझ रहे हैं। अच्छा घुटने इनके सूझे हुए हैं इसलिए तुम हेल्प करते हो अपने अब्बू की। और कौन है बड़ा भाई आपका कोई इससे बड़ा? रो क्यों रहा है बेटा? रो क्यों रहा है? क्यों रो रहा है सच्ची बता अभी? क्या परेशानी है बता? देखो ये उदास है बच्चा। घर में राशन वाशन की है सब चीज़? हाँ जी वो तो है, राशन तो काम बदल गया मैं। अच्छा अच्छा हाँ जी बस ये दिक्कत डेली की दिक्कत है। हाँ बस ये है। ये सारा सामान कितने का है तुम्हारा? ये 400 रुपये का जी। कितने का बिक जाएगा? 500-550 बिक जाएगा। 500-550 बिक जाएगा। ये भिंडी पैक करो हमारे लिए। ले बेटा डाल इसमें जल्दी डाल, पन्नी में डाल दे, पन्नी में डाल दे भिंडी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों से कुछ सामान ज़रूरत ना हो तब भी ख़रीद लिया करो। ये वो लोग हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं चलाते। और देखा आपने कि किस तरीके से ये कमज़ोर हैं, पैर से चल नहीं सकते, और उसके बाद भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ खुददारी के साथ में कमा रहे हैं। हमने थोड़ी सी कोशिश की इनको, और इनको एक सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। ये एक ऐसा सरप्राइज़ कि ये खुश हो जाएंगे। ये ले ली हमने तुम्हारी भिंडी, ठीक है जी बेटा? गाड़ी में रखा मेरी भिंडी लो। मैं आया था मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए, तो मुझे ये मिले, ये भाई मिले मुझे। तो भिंडी कितने की है तुम्हारी? भिंडी 150 रुपये की थी। हैं? 150 के की थी। अच्छा 150 की थी, आधी हमने ले ली तुम्हारी। 75 रुपये की भिंडी होगी तुम्हारी। हैं लो, अब कितने दोगे आप हमें वापस? सर वे देगा जी 425 रुपये। हाँ हैं खुले हुए? नहीं जी मेरे पे नहीं है। हैं? फिर क्या कहाँ से ला के दोगे? मैं खुलवा कर ला के देता जी। हैं? खुलवा कर ला के देने पड़ेंगे। ये 400 रुपये तुमने कैसे कमाए थे ये बताओ? 400 घर में 400 रुपये है जो 400 का सामान लेके आए हो आप? वह सच्ची सच्ची बताओ। बीड़ी बंदी में लगाती है, है जी? सुनतों को मोती से। अच्छा आपकी जो बीवी है घर में वो मोती का काम करती है घर में? हाँ जी। वो जो कमाती है फिर उससे थोड़ा तो आप सब्जी ले आते हो? हाँ जी। बड़ी हिम्मत है यार भाई तुम में, सच में बहुत हिम्मत है। नो जी नो, नो। फ्री में दे रहे हो मुझे? फ्री में दे रहे ही नहीं। अच्छा देखो ये तो आपके हो गए सब्जी के, ये तुम्हारे रिक्शा के होगी। अच्छा जी रिक्शा भी तुम रख लेना, ठीक है ना? अच्छा जी ठीक है। ये 3000 रुपये हैं, अच्छे से दोबारा से सब्जी लाना और अपने बच्चों का पेट पालना भाई, ठीक है भाई? ठीक है दोस्त, ठीक है जी। खुश हो? ठीक है जी। खुश हो ना? हाँ जी खुश हैं हम तो। मिला था कोई, सोचा था कोई मिलेगा ऐसा दे देगा कैसे दे देगा रुकवा के? है नहीं सोचा था ना? नहीं जी। लो 5000 रुपये। हाँ जी ठीक है भाई, अपने बच्चों में खुश रहना। चले बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे लोगों की हमेशा मदद की करते रहिएगा। ऐसे लोग वो लोग हैं जो खुददार लोग हैं, किसी के सामने मांगते नहीं हैं। इनके दो बच्चे हैं,
खुश है ना? देख कितने पैसे मिल गए, अब इन पैसों से अब्बू के साथ जाना, अच्छे से सब्जी लेना और खूब मेहनत से काम करना है, ठीक है बेटा? और जब स्कूल खुल जाएंगे तो पढ़ना है तुम्हें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।